मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत और कनाडा के बीच ठन गई है। भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने का फैसला लिया। भारत ने कहा है कि राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर कनाडा सरकार पर भरोसा नहीं है। कनाडा ने भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा समेत दूसरे राजनयिकों पर आरोप लगाए थे। निज्जर हत्याकांड में संजय वर्मा को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट तक बताया, जिसके बाद भारत ने करारा जवाब दिया। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया गया। भारत ने कहा सभी आरोप बेबुनियाद है, वोट बैंक से प्रेरित है और कनाडा की सरकार कथित मामले में 2023 से ही कोई सबूत पेश नहीं कर पाई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सब राजनीतिक लाभ के लिए भारत को बदनाम करने की रणनीति है। बयान में ये भी बताया गया कि ट्रूडो सरकार कनाडा में आतंकवादियों को जगह दे रही है ताकि वे भारतीय राजनयिकों को परेशान कर सके और धमका सके। जून 2023 में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की कनाडा में हत्या हो गई थी, जिसे लेकर कनाडा सरकार ने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए थे। हिंसा की आग में जल उठा यूपी का बहराइच। विसर्जन के जुलूस के दौरान हुए बवाल और एक युवक की मौत के बाद आज फिर भड़की हिंसा। उपद्रवियों ने बाइक के शोरूम में आग लगा दी। एक प्राइवेट अस्पताल पर हमला बोलकर तोड़फोड़ और आगजनी की गई। बंद दुकान के बाहर खड़ी इस नीली कार को उपद्रवियों ने आग लगा दी। लाठी डंडों से लैस भीड़ मृतक के शव को लेकर आगे बढ़ती रही। पुलिस भी उनके साथ चल रही थी। कल हुए उपद्रव के बाद यूपी के बहराइच में आज भी अराजकता का आलम देखा गया। हालात इस कदर बेकाबू दिख रहे थे कि यूपी एसटीएफ के चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद हाथ में पिस्टल लेकर सड़कों पर उतर गए। विसर्जन के जुलूस के दौरान डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद के बीच एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद बहराइच में हिंसा का सिलसिला शुरू हो गया। क्या बहराइच हिंसा का यूपी में होने वाले उपचुनाव से कोई कनेक्शन है? आखिर बहराइच में उपद्रवी इतने बेकाबू कैसे हो गए? बहराइच जलता रहा, धुआं धुआं होता रहा, लेकिन पुलिस हिंसा को वक्त पर थाम नहीं पाई। हालांकि उसने लाठियां भी चलाई, उपद्रवियों पर निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे लेकर आई, उपद्रवियों को हिरासत में लेने का काम भी किया, लेकिन अखिलेश यादव इस हिंसा के पीछे बीजेपी का हाथ बता रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए, ये नफरत या झगड़ा करा के ही समाज को बांट करके अपने राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन यूपी के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि ये तो हमारी सरकार के खिलाफ साजिश है। जिन लोगों ने खड़ंत रच करके इतनी बड़ी घटना का अंजाम दिया है, कड़ी से कड़ी सजा कानून के माध्यम से दिलाएंगे। इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच एक सवाल जरूर है, क्या बहराइच हिंसा कोई सियासी प्रयोग तो नहीं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बवाल तो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में भी मचा। हेड कांस्टेबल की बेटी और पत्नी की हत्या से नाराज भीड़ ने आरोपी के घर को लगाई आग। एसडीएम से भी की मारपीट की कोशिश। लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देती ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से आई, जहाँ बदमाशों में पुलिस का भी खौफ नहीं बचा। पहले आरोपी के घर को आग लगाई, फिर तोड़फोड़ की, इसके बाद भी मन नहीं भरा तो एसडीएम साहब को ही दौड़ा दिया। इन तस्वीरों में एक पुलिस वाला एसडीएम साहब को भीड़ से बचाते हुए दिखाई दिया। अगर पुलिस वाला ना होता तो एसडीएम जगन्नाथ वर्मा की जान को खतरा हो जाता। दरअसल ये सारा बवाल इसलिए हुआ क्योंकि सूरजपुर जिले में तैनात हेड कांस्टेबल तालिफ शेख की पत्नी और बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इसी घटना से गुस्साए लोगों ने शहर बंद कर दिया, आरोपी के घर, गोदाम और गाड़ियों को आग लगा दी। गुस्साए लोगों ने सूरजपुर थाने का घेराव भी किया। तनाव को देखते हुए शहर में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। दानापुर में युवक की हत्या के बाद हंगामा, आरोपियों के घर में तोड़फोड़, पुलिस पर पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिस से झड़प। दानापुर में 20 साल के विशाल के मर्डर के बाद हंगामा हुआ। सुभाष राय और उसके सहयोगियों पर मर्डर का आरोप है। नाराज लोगों ने आरोपियों के घर में तोड़फोड़ की। इंसाफ की मांग कर रहे लोगों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे पुलिस पर भी नाराज लोगों ने पथराव किया। पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद हालात को काबू किया। केस में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद लोगों का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस को तैनात किया गया है। शुरुआती जांच के मुताबिक दोनों पक्षों में पहले से झगड़ा था। यूपी के वाराणसी में आधी रात को हुआ भारी हंगामा। उपद्रवियों ने मामूली बात पर किया भारी पथराव। सकरी गली में पथराव करता उपद्रवियों का झुंड।
ईंट फेंकते, पत्थर बरसाते, बाइक तोड़ते। देखते ही देखते उपद्रवियों की संख्या बढ़ गई और तंग गली युद्ध का मैदान जैसी नजर आने लगी। ये वायरल वीडियो वाराणसी के गदौलिया क्षेत्र स्थित देवनाथपुर इलाके का है। बताया जा रहा है कि यहां आधी रात कुछ युवक नशे में नारेबाजी करने लगे। यहीं से शुरू हुआ ये बवाल पत्थरबाजी पर आ गया। गनीमत है कि पुलिस जल्द मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद हालात काबू में आ गए। वाराणसी पुलिस ने इस वायरल वीडियो में दिख रहे उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी भी शूटर्स के टारगेट पर थे। शूटर्स को जिशान और बाबा सिद्दीकी दोनों को मारने की सिफारिश दी गई थी। ऑर्डर दिया गया था कि अगर दोनों को एक साथ मारने का मौका नहीं मिल पाए तो जो भी सामने मिल जाए उसे मार दो। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये पकड़े गए आरोपियों ने कबूलनामा पूछताछ के दौरान दिया है। इस बीच पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस की टीम अहमदाबाद की साबरमती जेल जा सकती है। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर सकती है। मर्डर केस में अब तक 6 आरोपियों की पहचान की गई है। इसमें 3 को गिरफ्तार किया गया है। सीएम एकनाथ शिंदे ने साफ साफ कह दिया है कि कातिलों को छोड़ा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया पर बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी शिवू लोणकर नामक फेसबुक अकाउंट से ली गई थी। इस मामले में अकोला से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। यूपी में विधायक थप्पड़ कांड के जातीय रंग लेने से बीजेपी हाईकमान चिंतित। विधायक को थप्पड़ जड़ने वाले नेता पर होगा कड़ा एक्शन। इस थप्पड़ कांड की गूंज बहुत दूर तक सुनाई दी है। विधायक योगेश वर्मा को जिसने सरेआम थप्पड़ जड़ दिया था वो अवधेश सिंह भी बीजेपी के ही नेता है। थप्पड़ कांड में बीजेपी हाईकमान ने कड़ा रुख अपनाया है। थप्पड़ कांड के मुख्य आरोपी अवधेश सिंह, उनकी पत्नी पुष्पा सिंह, ज्योतिष शुक्ला और अनिल यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आज सदर भाजपा विधायक योगेश वर्मा के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद ये कार्रवाई की गई। ये थप्पड़ कांड अगड़ा बनाम पिछड़ा का जातीय रंग लेने लगा था, जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी थी। खुद बीजेपी के भीतर पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाले विधायक गोलबंद हैं। बीजेपी हाईकमान इस मामले में इस वजह से भी हरकत में आया है क्योंकि यूपी में जल्द ही विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। क्या केंद्र सरकार मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए एक नया और बड़ा रास्ता निकालने वाली है? केंद्र सरकार ने दिल्ली में मैतेई, कुकी और नागा विधायकों की एक बड़ी बैठक कल बुलाई है। करीब 17 महीने से सुलग रहे मणिपुर में शांति की उम्मीद जागी है। इसकी पहल खुद केंद्र सरकार की ओर से की गई है, जिसके तहत कुकी, मैतेई और नागा समुदाय के विधायकों को दिल्ली में बैठक के लिए बुलाया गया है। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों के साथ ही मणिपुर के सीएम और गृह मंत्रालय के आला अधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक में मणिपुर में शांति बहाली के प्रोसेस को आगे बढ़ाने की चर्चा होगी। ये पहली बार है जब तीनों समुदाय के जनप्रतिनिधि शांति बहाली पर चर्चा के लिए टेबल पर एक साथ होंगे। इससे पहले गृह मंत्रालय शांति के लिए अलग अलग समुदायों से चर्चा कर चुका है। मणिपुर में मई 2023 में हिंसा भड़की थी, तब से लेकर अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान इस हिंसा में जा चुकी है। यूपी विधानसभा उपचुनाव में सीट शेयरिंग पर एनडीए में तनातनी। 2 सीटों पर अड़े भाजपा के सहयोगी संजय निषाद। सीट शेयरिंग पर संजय निषाद की नाराजगी की खबर के बाद सीएम योगी एक्शन में आए। सीएम ने फोन कर संजय निषाद को मिलने के लिए बुलाया। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे बैठक चली। दरअसल निषाद पार्टी उपचुनाव में कटेरी और मझवा सीट मांग रही है। बीजेपी मझवा सीट देने को तो तैयार है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चाहती है कि मझवा सीट भी निषाद पार्टी का उम्मीदवार बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े। उनकी बैठक हुई है, अभी सहयोगी दलों का जब बैठक हो जाएगा एनडीए का, उसमें जो बातचीत होगी भारतीय जनता पार्टी को सीटें हम लड़े थे। इस बीच सीट शेयरिंग पर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेन चौधरी ने आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से मुलाकात की है। बीजेपी मीरापुर सीट आरएलडी को उपचुनाव में दे सकती है। हरियाणा में हार के बाद महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस बेहद संजीदा है, इसीलिए दिल्ली से लेकर मुंबई तक कांग्रेस में मंथन चल रहा है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की बैठक हुई। बैठक में नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान, विजय वडेट्टीवार, वर्षा गायकवाड़ और महाराष्ट्र कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी रमेश चेन्नीथल्ला शामिल हुए। बैठक में चुनावी तैयारियों की समीक्षा और सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। हरियाणा में हार के बाद महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस बेहद संजीदा है, इसीलिए दिल्ली से लेकर मुंबई तक कांग्रेस में मंथन चल रहा है। सीमांचल पर बिहार एनडीए में तकरार, बीजेपी नेताओं की केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग, जदयू का तीखा रिएक्शन। सीमांचल नहीं, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया, उनको
मिला करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, उनका जाति धर्म बहु बेटियों का सुरक्षा प्रदान हो। बांग्लादेशी घुसपैठियों और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का हवाला देकर हरिभूषण ठाकुर बचौल ने ऐसी मांग कर दी जिसने जदयू को नाराज कर दिया। जदयू नेताओं ने कहा कि बिहार में सद्भाव है और यहां सांप्रदायिक सोच के लिए जगह नहीं है। बिहार में हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, किसी अन्य धर्म को मानने वाले धर्मावलंबी सब यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण है। पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया का इलाका सीमांचल में आता है। ये इलाका मुस्लिम बहुल है। बीजेपी नेता अरसे से इस इलाके को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग करते रहे हैं। चुनाव से पहले महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुंबई में एंट्री करने वाली छोटी गाड़ियों के लिए टोल फ्री कर दिया। मुंबई में एंट्री लेते समय 5 टोल प्लाजा है, जिनमें दहिसर टोल, थाने आनंद नगर टोल, वाशी टोल, एरोली और मुलुंड शामिल है। इन टोल पर 45 रुपए से 75 रुपए वसूले जाते हैं। ये टोल 2026 तक लिया जाना है, लेकिन सरकार के फैसले के बाद छोटे वाहन चालकों को इन 5 टोल बूथों पर कोई टोल नहीं देना होगा। और इसलिए ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय, ये मास्टर स्ट्रोक है। 2002 से ही मुंबई में एंट्री के लिए 5 बूथों से टोल वसूला जा रहा था। शिंदे सरकार ने पिछली 3 कैबिनेट बैठकों में 30 से अधिक घोषणाएं की हैं। महाराष्ट्र में इसी हफ्ते चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से बैन, 1 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा प्रतिबंध। सर्दी के मौसम में बढ़ते एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। दिल्ली में 1 जनवरी 2025 तक ये बैन लागू रहेगा। इस दौरान पटाखे बनाने, स्टोर करने, बिक्री, ऑनलाइन ट्रेड और पटाखे फोड़ने पर बैन रहेगा। आज से दिल्ली के अंदर सभी तरह के पटाखों पे उनके उत्पादन, बिक्री, भंडारण और उपयोग पे सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हालांकि पटाखों पर बैन लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले का बीजेपी नेताओं ने विरोध किया है। पटाखों पर बैन को सख्ती से लागू करवाने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को दी गई है। दिल्ली पुलिस रोज दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमले के लिए सेना को तैयार रहने के लिए कहा है। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया में कई फ्रंट पर वॉर जारी है, एक और युद्ध का नया फ्रंट खुल सकता है। उत्तर कोरिया ने आरोप लगाया कि साउथ कोरिया की ओर से प्योंगयांग में ड्रोन भेजे गए। इन ड्रोन्स के जरिए ऐसे पर्चे फेंके गए जिनमें किम जोंग उन की हुकूमत के खिलाफ भड़काऊ बातें लिखी हुई थी। किम जोंग उन की बहन किम यो ने साउथ कोरिया को भीषण अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। थामन उरी सुदोए सांगोंगेसो डेयानमिनगुगे मुइनगेगा दासी हनबोन बालगयोनदेनेन गु सुनगान गमचिकान सम्ब्योनेन बानदोसी। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 70 साल पहले भी भयंकर युद्ध हुआ था। 1950 से 1953 तक चली इस लड़ाई को दरअसल कोरियाई वॉर के तौर पर भी जाना जाता है। चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर कर सबसे बड़ी वार एक्सरसाइज शुरू की। ताइवान ने कहा अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए तैयार है। जमीन हो, पानी हो या आसमान, चीन ने ताइवान के खिलाफ अपनी ताकत का नया ट्रेलर रिलीज कर दिया। एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइटर जेट उड़े, बड़ी बड़ी मिसाइल लॉन्चर बाहर निकले और चाइनीज आर्मी के जवान जंग की तैयारी करते हुए दिखाई दिए। ये सब कुछ चीन ने जॉइंट स्वॉर्ड नाम की वार एक्सरसाइज के तहत किया। चीन ने कहा कि अगर ताइवान अपनी आजादी की बात करेगा तो उसे हथियारों से जवाब दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस युद्धाभ्यास में 125 लड़ाकू विमान और 17 युद्ध पोत शामिल हुए। इस बीच नाटो ने भी अपनी न्यूक्लियर वार ड्रिल का ऐलान कर दिया है। 2 हफ्ते तक चलने वाले युद्ध अभ्यास में 2000 जवान और 60 विमान हिस्सा ले रहे हैं। SCO समिट से पहले पाकिस्तान में जबरदस्त तनाव है। आतंकी साये और बवाल को देखते हुए इस्लामाबाद में 10,000 जवान तैनात कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद में 15-16 अक्टूबर को SCO समिट होनी है, जिसमें शामिल होने के लिए चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग पहुंच चुके हैं। कई देशों के लीडर भी पहुंचने वाले हैं, लेकिन शहबाज हुकूमत का हलक सूखा हुआ है। इस्लामाबाद को पूरी तरह सील कर दिया गया है। सभी एंट्री पॉइंट पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी फौज के 10,000 जवान तैनात कर दिए गए हैं। ये इंतजाम इसलिए क्योंकि इमरान की पार्टी ने 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में प्रदर्शन का ऐलान किया है। बैठक में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री S. जयशंकर कल पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे।
2015 में सुषमा स्वराज के बाद किसी भारतीय नेता का ये पहला पाकिस्तानी दौरा है। पैसेंजर गाड़ियों की थोक बिक्री में आई कमी से हैरान में है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। हालांकि टू व्हीलर्स को लेकर क्रेज काफी बढ़ा है। पैसेंजर व्हीकल जिसमें कि कार, वैन, ऑटो सब आते हैं, उनकी बिक्री सितंबर महीने में पिछले साल के मुकाबले घटी। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल सितंबर में पैसेंजर गाड़ियों की थोक बिक्री 1% घटकर 356,752 यूनिट रह गई, जबकि पिछले साल सितंबर 2023 में कंपनियों ने डीलर को कुल 361,717 गाड़ियां भेजी थी। सियाम की रिपोर्ट बताती है कि इस दौरान दोपहिया वाहनों की बिक्री बढ़ी है। सियाम की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में तिपहिया वाहनों की बिक्री भी ठीक ठाक हुई। पिछले साल के मुकाबला में अब की बार बिक्री 7% बढ़ी है। त्योहार के सीजन में आम आदमी की जेब पर लगा झटका। सब्जियों और खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ से थोक महंगाई दर में हुआ इजाफा। महंगाई का ये डेटा सरकार की ओर से जारी हुआ है। अगस्त में जहां थोक महंगाई दर 1.31% पर आ गई थी, वहीं सितंबर में ये बढ़कर 1.84% हो गई है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है खाने पीने के सामान की महंगाई दर 9% के पार निकल गई है। अगस्त महीने में ये 3.26% थी, जो बढ़कर सितंबर में 9.47% हो गई। जबकि सब्जियों की महंगाई में 48.7% का उछाल आया है। प्याज, टमाटर और आलू जैसी प्रमुख सब्जियों की कीमतें बढ़ी हैं। शाकाहारी थाली पिछले साल सितंबर महीने के मुकाबले 11% महंगी हुई है। ABP News आपको रखे आगे।